सो गाइस फाइनली रियलमी एक्स में रियलमी यूआई का अपडेट आ चुका है, जो कि शेड्यूल था फेब में लेकिन आया मार्च में। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सो गाइस इंडिया वांट्स टू नो कि ये क्या स्टॉक एंड्रॉयड जैसा है, तो मेरा आंसर ये है 80% नो, 20% यस। लेकिन गाइस क्या इससे फर्क पड़ता है ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं। जिसने आपको कलर ओएस पे 5-6 महीने बिता लिया है वो आपको रियलमी यूआई, तो भाई उससे प्यार करेगा। बेसिकली मैं आपको अराउंड 12-15 घंटे से यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने दूसरे फ़ोन्स में रियलमी यूआई यूज़ किया है, लेकिन रियलमी एक्स में यूज़ करने का एक्सपीरियंस अलग है, बिकॉज कि ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है और भाई रियलमी यूआई बहुत तगड़ा है। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम भी लगी है, इस वीडियो में दोनों के बारे में बात कर लेंगे। सो सबसे पहली बात, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा क्लीन मिनिमल इंटरफेस मिलता है, और जिसका नोटिफिकेशन पैनल है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और अच्छा हो गया, क्लीन हो गया। और मैं बेसिकली एक बात बताऊं तो भाई पुराने वाले यूआई से 5 से 10 times ही क्लीन हो चुका है, और इसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत सारे बढ़ चुके हैं। और रियलमी यूआई में कितने सारे फीचर्स मिले उन सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं बुराइयों से, जो कि मेरे को कॉन्स लगे हैं इसके। तो सबसे पहली बात गाइस, इसका जो स्पीकर है वो पहले से ज़्यादा बेकार हो गया है। मतलब कि काइंड ऑफ मेरे को बेकार इसलिए लगा क्योंकि इसमें क्लैरिटी इशू लगी मेरे को। आपको यहाँ पे लाउडनेस तो इक्वल है, लेकिन क्लैरिटी इशू लगी। एक बार मैं भी आपको चला कर दिखाता हूँ, आप भी ट्राई करना, आपको पक्की बात है नोटिस हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर आप ईयरफोन से यूज़ करते हो या फिर हेडफोन यूज़ करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। और उसके लिए तो स्पेशल फीचर्स भी ऐड हुए हैं जिसके बारे में बात करेंगे वीडियो में आगे, लेकिन अभी आपको ऑडियो सुनाता हूँ। सो मेरा ऑल टाइम फेवरेट बैड गाय चलाते हैं, मस्त लगता है वो मेरे को। भाई मेरे को सुनते ही पता चल गया था कि इसमें आपको लाउडनेस जो काइंड ऑफ इक्वल है, लेकिन क्लैरिटी भाई इश्यू आई है, और हल्का सा ये अपडेट के थ्रू फिक्स हो सकता है इनकेस अगर बहुत सारे लोग कंप्लेन करेंगे तो। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है, अगर आप रियलमी एक्स यूज़र हो, रियलमी यूआई पे आपने अपडेट कर लिया है, तो पक्की बात है कमेंट करके बताना भाई कि आपको ऐसा लगा है कि नहीं लगा, या सिर्फ मेरे को ऐसा लगा है। और गाइस दूसरी इशू इसमें यह लगी कि व्हाट्सएप कॉल जो है, व्हाट्सएप कॉल का इंटरफेस ही नहीं दिखा रहा था। बेसिकली हुआ क्या कि मेरे को आज 2 व्हाट्सएप कॉल आए, दोनों में सेम हुआ कि इंटरफेस ही नहीं दिखा रहा, तो व्हाट्सएप कॉल मेरी मिस हो गई और फिर मेरे को ऐसे नॉर्मली कॉल करना पड़ा। रियलमी यूआई का अपडेट होने के बाद मेरे फ़ोन ने कम से कम 1-2 घंटे लिए स्टेबल होने में। बेसिकली अपडेट डन हो चुका था, मोबाइल यूज़र कंडीशन में आ चुका था, लेकिन गाइज इसका जो एनिमेशन था वो 1-2 घंटे के बाद स्टार्ट हुआ। जो स्मूथ एनिमेशन वो ज़्यादा अच्छा हो गया, जेस्चर्स भी ज़्यादा अच्छे से हो गए, और मैंने फिर फंक्शंस को सारे एक्सप्लोर किया, हल्का फुल्का सेटिंग किया अपने हिसाब से। तो अगर आप अपडेट कर रहे हो तो आपको कम से कम अपने फ़ोन को 1 दिन पूरा देना पड़ेगा, उसके बाद ही स्टेबल कंडीशन में आएगा, उसके बाद ही आप आराम से इसको यूज़ कर पाओगे, और उतना आपको देना बनता भी है। भाई रियलमी यूआई और कलर ओएस में बहुत ज़्यादा मेजर अपग्रेड्स हैं, पूरा का पूरा एक नया मोबाइल जैसा फील आ रहा है मेरे को, तो होपफुली आपको भी आएगा ये बात। और गाइस तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि स्क्रीन लाइट इफेक्ट नाम का एक फीचर था रियलमी यूआई में, वो आपको नहीं मिला है इस अपडेट में। होपफुली नेक्स्ट अपडेट में आ जाएगा। और उस अपडेट से होता क्या था कि आपको नोटिफिकेशन जो आती थी उसमें आपको कोने कोने में अपने स्क्रीन के आपको हल्का सा वो नोटिफिकेशन ब्लिंक करके दिखाता था, तो स्क्रीन लाइट इफेक्ट कहते हैं उसको, बड़ा कमाल सा कूल सा इफेक्ट है वो। तो वो नोटिफिकेशन LED को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। होपफुली फिंगर क्रॉस्ड नेक्स्ट अपडेट में मिल जाएगा। सो बस 3 मेरे को प्रॉब्लम लगे हैं। अब बात करते हैं इसके आपको प्रोस की, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा कमाल हो चुका है। क्योंकि सबसे पहली बात, फ़ोन बहुत ज़्यादा क्लीन और मिनिमल हो चुका है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको जो जेस्चर्स हैं वो जेस्चर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ, सस्ता वन प्लस का भी फील दे रहा है मेरे को, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है। मतलब सस्ता नहीं, यहाँ ठीक है, वन प्लस का फील दे रहा है। और भाई इस फ़ोन में इतने ज़्यादा मैंने यूज़ किए, इतने सारे एप्लीकेशन से इतना भारी कर रखा है इस फ़ोन को मैंने, कि भाई लैग मार रहा था लिटरली पुराने वाले OS में, लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है मेरे को। और मैंने भी कोशिश की अपनी तरफ से भी कि भाई थोड़ा बहुत एप्लीकेशन इंस्टॉल मार देता हूँ, तो मैंने कर दिया। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको रियलमी एक्स एमुलेट फ़ोन है, और एमुलेट फ़ोन के साथ आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर है यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन वाले फीचर्स मिल चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपको नए नए ऑलवेज ऑन वाले वॉच फेसेस मिल चुके हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और ये मेरे को बहुत तगड़ा लगा।
और दूसरी बात, यहाँ पे आपको डार्क मोड भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया रियलमी ने। पहले इनके रियलमी लैब में था, रियलमी लैब बेसिकली होता है कि जो फीचर्स रियलमी टेस्ट करता है उसको आपको रियलमी लैब में रखता है। अब ये रियलमी लैब से उठ के डिस्प्ले वाले फीचर्स में आ चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और अच्छा हो गया। और मैं भी आपको डार्क मोड इसका यूज़ कर रहा हूँ, और एमोलेड फ़ोन यूज़ करते हो भाई तो डार्क मोड यूज़ करना बनता भी है। एलईडी वाले भाई तुम्हारे कुछ होने सकता है, मतलब ग्रे ग्रे डार्क मोड बेकार है, वो कुछ नहीं है, लिटरल में बता रहा हूँ। और अगर सिंपल सी एक प्रो टिप्स, अगर आप एक एमोलेड फ़ोन यूज़ करते हो कभी भी LCD IPS पैनल पर शिफ्ट मत होना भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी लाइफ में। इवन कि 120Hz भी दे रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं लेने का, 60Hz एमोलेड सुपर्ब है, सच में बात मालूम है, पक्की बात है, मैं 100% कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। और दूसरा तगड़ा अपडेट आया यहाँ पे वो कैमरा इंटरफेस में। बेसिकली गाइस, अब मैं आपको रियलमी के कैमरा इंटरफेस से बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन भाई ये बहुत ज़्यादा क्लीन कर दिया है। इवन कि इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का एक अलग सा फीचर दिया हुआ है, अलग से विंडो दिया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको मोर्स में सारे के सारे फीचर्स मिल रहे हैं, और आपको यहाँ पे जो क्विक एक्सेस फीचर होते हैं, जैसे कि आपको फ्रेम चेंज करना हो या फिर FPS चेंज करना हो, ये सब के लिए आपको यहाँ पे क्विक फीचर्स ऊपर में दिए हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया और काफ़ी ज़्यादा क्लीन और स्मूथ चल रहा है अभी तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। सच में भाई बहुत तगड़ा हो चुका है ये, मतलब कि इंटरफेस, और ये फास्ट भी चल रहा है थोड़ा सा, मतलब कि काइंड ऑफ अच्छा चल रहा है। और अच्छी बात ये है कि कैमरा में आपको बर्स्ट मोड भी आ चुका है, मतलब कि एक साथ ये 20 फोटो ले लेता है 2-3 सेकंड के अंदर। देखो ये पकड़ के दिखाता हूँ आपको, काफ़ी तगड़ा हो चुका है बेसिकली गाइस, मेरे को मज़ा आ रहा है यूज़ करने में अब ये फ़ोन। और नेक्स्ट तगड़ा फीचर मेरे को लगा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। बेसिकली गाइस, आपको यहाँ पे इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ चुका है। इसका मतलब है कि पबजी में आप मस्त किल करे जा रहे हो तो इंटरनल आपको यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड होगा, और वो आप यूज़ कर सकते हो अपने आप को यूट्यूब में अपलोड करने के लिए, फेसबुक अपलोड करने के लिए, व्हाट्सएप स्टोरी पर अपलोड करने के लिए, या फिर अपने नूब फ्रेंड को प्रो टिप्स देने के लिए। और मैं भी बहुत नूब हूँ तो कोई प्रो टिप्स है तो दे दो, बस यूज़ नहीं करता हूँ मैं, पबजी नहीं खेलता हूँ। और इतने सारे फीचर्स के साथ फ्री में आपको एड्स भी मिलेंगे, तो आपको एड्स को ऑफ करना है तो आप गेट रिकमेंडेशन में जाके ऑफ कर सकते हो ऐड को। बेसिकली मैंने आपको ऐड के ऊपर एक हल्की सी छोटी सी वीडियो बना रखी है, उसको आप चेकआउट कर लो, कार्ड में लिंक दे दूंगा। बेसिकली उसमें आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे कंपनियाँ ऐड डालती हैं और क्यों इंपॉर्टेंट होती है, और कैसे रियलमी के फ़ोन में ऐड ऑफ कर सकते हो, उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना आप। और यहाँ पे आपको न्यू वॉलपेपर्स भी देखने को मिले हैं, न्यू वॉलपेपर्स के साथ साथ लाइव वॉलपेपर्स मिले हैं, जो कि आपको यहाँ पे ColorOS 7 से इंस्पायर्ड है। बेसिकली बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे ColorOS 7 से इंस्पायर्ड है। और आपको यहाँ पे जो लाइव वॉलपेपर है, इसमें आपको हवा महल का जो लाइव वॉलपेपर है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा और मिनिमल और मस्त है। बेसिकली होता है कि अभी मैं रात में शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको रात दिखा रहा है, मैं जब दिन में रहूँगा तो यहाँ पे आपको दिन हो जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा कूल है। जब बारिश होगी बाहर तो यहाँ पे आपको बारिश होती रहेगी। और लाइव वॉलपेपर्स के साथ साथ यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन में एप्लीकेशन का कस्टमाइजेशन भी आ चुका है। सो आप लोग वॉलपेपर्स में ऐसे पिंच करके सेटिंग्स में जाओगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, और आपको यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन सेट आइकन स्टाइल वाला, और इसमें जाके आप पूरा आइकन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको मटेरियल स्टाइल है, पेबल स्टाइल है, और कस्टम स्टाइल है। तो कस्टम स्टाइल में जाके आप यहाँ पे आपको डिफरेंट शेप यूज़ कर सकते हो, और उसका फोरग्राउंड भी छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, और आइकन का साइज़ वाइज भी बड़ा छोटा कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे मिनिमल मटेरियल स्टाइल रखा है, ज़्यादा मैं कस्टमाइजेशन करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे को काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा। रियलमी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही कस्टमाइजेशन पे और इंटरनल फीचर्स पे, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और फ्यूचर में मैं इसको चेंज वेंज करता रहूँगा ताकि हल्का फुल्का नया नया लुक मिलता रहे। वैसे गाइज, ये सब फीचर्स आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू एक्टिव रहते हैं, लेकिन भाई इंटरनल वाली बात अलग होती है, तो ये फीचर्स दिया है तो काउंट करना तो ज़रूरी है और अच्छा है। और न्यू फीचर्स लाइक स्क्रीनशॉट में भी काफ़ी अच्छा एक नया एनिमेशन देखने को मिला है, और आपको पर्टिकुलर स्क्रीन लेने के लिए भी एक ऑप्शन मिला है, मतलब कि आपको 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करके स्वाइप नीचे करोगे तो यहाँ पे आप पार्टिकुलरली एक एरिया को कैप्चर कर सकते हो, जो कि एक काफ़ी अच्छा फील है, फीचर है। मैं बेसिकली करता क्या था कि पहले स्क्रीनशॉट लेता था, उसके बाद उसको एडिट करके क्रॉप करता था, अभी डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये वाला फीचर भाई बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है बहुत लोगों के द्वारा, ये मेरे को मालूम है। स्क्रीनशॉट तुम बहुत लेते हो और लड़ाई वड़ाई भी मस्त करते हो, मेरे को मालूम है, सब मालूम है। और आपको यहाँ पे गेम स्पेस में भी नया एनिमेशन देखने को मिला है, और नए एनिमेशन के साथ साथ कोई नया फीचर देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, गेम स्पेस मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मैं गेमिंग नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मैंने ऐसा तो पक्की बात नोटिस किया कि ऑप्टिमाइज़ ज़रूर कर देता है अपनी गेमिंग एक्सपीरियंस को, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि शायद उसको और ट्विक करके और अच्छा बनाया गया होगा, पक्की बात है। और Realme UI के साथ आपको यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो करके भी एक यूज़ किया गया। बेसिकली कैलकुलेटर में क्या होता है कि आप यहाँ पे आपको फ्लोटिंग विंडो का एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, और आप अब आराम से कैलकुलेटर को ऐसे फ्लोट करके भी यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल और
एक हेल्पफुल सा चीज़ मिल गया। बेसिकली होता क्या है कि जब भी मैं इसे कुछ हिसाब किताब करता हूँ दोस्तों, क्योंकि बर्गर किंग में तेरे को 500 रुपये की पार्टी दी थी, मैंने 300 रुपये किया। आपको यहाँ पे लास्ट फीचर है डुअल मोड ऑडियो का। बेसिकली आपको यहाँ पे रियलमी लैब के अंदर कि रियलमी टेस्ट कर रहा है इसको अभी तक, लेकिन इससे होता क्या कि आप एक साथ ब्लूटूथ ईयरफोन और 3.5 mm जैक को यूज़ करके गाना सुन सकते हो। और मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है कि ब्लूटूथ वाले में आपको हल्का सा सॉन्ग में डिले मिलेगा और 3.5 mm में कोई भी डिले नहीं है। तो हाँ, आप एक साथ अपने दोस्त को भी गाना सुना सकते हो और ख़ुद भी गाना सुन सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा। और उस बीच अगर कॉल आती है आपको तो कॉल आपकी ट्रांसफ़र होगी आपके ब्लूटूथ पे। तो इसका मतलब रियलमी को मालूम है कि आप लोग बहुत चालू हो और आपको ब्लूटूथ खुद यूज़ करोगे, दोस्त को ही दोगे 3.5 mm जैक, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर जहाँ पे आपको मैगजीन वाला फीचर भी मिल जाता है, मतलब कि आपको हर बार एक नया वॉलपेपर देखने को मिलेगा, ये काफ़ी तक कूल है। तो मैं मस्त इसको यूज़ करूँगा, दिन भर ऐसे बंद खोल करता रहूँगा, ऊपर नीचे नए नए वॉलपेपर देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा कूल चीज़ है। तो भाई इसी के साथ मेरे ख्याल से रियलमी UI की इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, रियलमी UI से अपडेट ज़रूर कर लो गाइज। और काफ़ी तो कूल है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मिनिमल है और मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। मतलब कि भाई इतनी तारीफ मैं बहुत ज़्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन भाई इसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि ये तारीफ के काबिल है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना था, आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो फॉर मोर ऑसम टेक कॉन्टेंट्स। बाय।